भीमलर रिंग पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मिथुन कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। ठीक है, आइए देखते हैं मानव नेत्र का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आकार कैसी, आकृति कैसी है, कैसे कार्य करता है। एक एक करके मानव नेत्र के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले इसकी बनावट देखते हैं। मानव नेत्र की जो सबसे ऊपरी वाली भाग होती है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, इसके अंदर वाला भाग है जो ये जो इसकी जस्ट अंदर वाला भाग है, इसको बोलते हैं कोरोइड। हिंदी में भी बोलते हैं कोरोइड। ठीक है, और इसके जस्ट अंदर वाला भाग जो है यह है रेटिना। ठीक है, इसके जस्ट अंदर लगा क्या है? रेटिना। इंग्लिश में भी रेटिना बोलते हैं और हिंदी में भी रेटिना बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों यहां पे आकर मिलेंगी और ये हमारे अंदर चला जाएगा, दिमाग के अंदर चला जाएगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, प्रकाश सिरा। इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। प्रकाश सिरा। ठीक है दोस्तों, इसके जस्ट बाद यहां की स्ट्रक्चर जो बनावट है, ऐसे कुछ बनावट है इसकी, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इंग्लिश में भी बोलते हैं कॉर्निया, हिंदी में बोलते हैं कॉर्निया। इसके जस्ट बाद यहां पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं आयरिस, जिसको हिंदी में भी आयरिस बोलते हैं और इंग्लिश में भी आयरिस बोलते हैं। और इसके बाद यहां पे कुछ ऐसे मसल्स लगे होते हैं जिसपे लेंस टिकी होती है, हमारे आंख की जो नेत्र तारा होती है यहां पर टिकी होती है, इसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स। ठीक है, और ये जो हमारा है ये है लेंस, नेत्र तारा। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबके बारे में बताऊंगा कि ये स्क्लेरोटिक ड्रिपडल होता क्या है, कोरोइड क्या होता है, कार्निया क्या होती है, आयरिस क्या होती है और रेटिना क्या होता है, प्रकाश सिरा क्या होता है, लेंस क्या होता है। इसमें जो भरा होता है एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। काचाब द्रव्य, इसको बोलते हैं हिंदी में काचाब द्रव्य। और यहां पे जो द्रव होता है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जलीय द्रव। तो आइए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं कि कोरोइड किसे कहते हैं, त्रिपडल किसे कहते हैं, प्रकाशिरा किसे कहते हैं, काचाद्रव किसे कहते हैं, रेटिना किसे कहते हैं, नेत्रतारा किसे कहते हैं, कॉर्निया किसे कहते हैं, आयरिस किसे कहते हैं, जली द्रव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले भाग को बताएंगे, स्क्लेरोटिक, जो इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक ध्रुवपटल। ध्रुवपटल आखिर ऊपरी भाग जो उसका है ये होता क्यों है? जो ध्रुवपटल है हमारे आंख के ऊपर का,
ये हमें क्या क्या प्रदान करता है? पहली बात कि यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरी बात कि ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब कि यहां से होकर प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए ये अपारदर्शी होता है। तीसरा चीज ये थोड़ा सा ठोस होता है, मजबूत होता है, थोड़ा सा ठोस और मजबूत होता है। इसके बाद दूसरा चीज है कोरोइड। कोरोइड होता क्या है? कोरोइड एक काले पदार्थ का बना होता है, काले पदार्थ का बना होता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद ये जो लाइन है अंदर वाली, जिसको हम बोल रहे हैं रेटिना, रेटिना करता क्या है? ये लाइट सेंसेशन का काम करता है, लाइट सेंसेशन का काम करता है। हमारे आंख में जो भी प्रकाश इस कॉर्निया से होते हुए लेंस से परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना, रेटिना पर ही बनता है। और वो प्रतिबिंब अगर रेटिना पे बन रहा है तो हमारा आंख में कोई भी, हमारे आंख पर या हमारे आंख में कोई भी समस्या नहीं रहेगी कि किसी वस्तु को हम देख पाए या ना देख पाए। अगर रेटिना से पहले बन रहा है तो भी प्रॉब्लम है, रेटिना से दूर बन रहा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर रेटिना पे बन रहा है तो वस्तु हमें एकदम क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये रेटिना करता क्या है? लाइट सेंसेशन काम करता है। और ये जो इमेज बनता है इसी पे बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉर्निया, चौथे नंबर पे आता है कॉर्निया। कॉर्निया करता क्या है कि ये कॉर्निया पहली बात होता है पारदर्शी, कॉर्निया होता है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब कि जो भी हमारे आंखों में प्रकाश जाएगी इसी से होते हुए जाएगी, इसके अलावा और कहीं से एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। और इसके जस्ट अंदर की एक पार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं आयरिस। आयरिस आयरिस जो होता है हमारे आंख में जो भी कलर दिखाई देते हैं, जिसका भी आंख कलर कलर्ड होते हैं, वो आयरिस के कारण ही होता है। आयरिस में, आयरिस जो होता है वो ब्राउन होता है, ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है, हाफ ग्रीन हो सकता है, हल्का ग्रीन, ठीक है। इसके अंदर एक पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, लेंस। यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये लेंस है, ठीक है। ये जो लेंस है ये करता क्या है? जो भी हमारे आंख में प्रकाश प्रवेश करता है कॉर्निया के माध्यम से, ये यहां पे इसका प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। और यहाँ पे सिलेरी मसल से इसका कार्य है कि हमारे जो यहाँ पे जो लेंस, ये लेंस सॉलिड रूप में नहीं रहता है, ये लेंस जो होता है बढ़ता है छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है छोटा होता है, किसके कारण से, किसकी सहायता से? ये सिलेरी मसल्स है, ये हम किसी वस्तु को अगर देख रहे हैं तो हम इस पे दबाव डालते हैं। अगर दबाव डालेंगे तो ये हल्का सा छोटा होगा, लेंस जो है दबेगा और इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे पड़ेगा, जिससे वस्तु हमें पास की वस्तु या दूर की वस्तु दिखने लगती है। अगर नहीं दिख रही तो इसपे हम दबाव डालेंगे या तो इसपे खिंचाव डालेंगे तो ये लेंस थोड़ा सा बड़ा होगा और इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे पड़ेगा और जिससे वस्तु हमें साफ दिखाई देने लगती है। इसमें एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और यहां पे आप देख रहे हैं इसमें एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, कच्चा द्रव्य। इसमें एक चीज और है कि इसकी जो हमारी आंख की डाया होती है, जो मेन डाया होती है आंख की, ये होता है आंख का डाया, हमारे जो आंख का डाया है वो होता है टोटली 2.2
2.5 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी आंख का जो डाया होता है ये होता है 2.5 सेंटीमीटर। और इसका जो उसको क्या बोलते हैं अपवर्तनांक, हमारे जो आंख का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक ये होता है 1.47। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमारे आंख में एक खासियत है कि जब ये हम अंधेरे में जाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए तो हमारी आंख की जो कॉर्निया होती है ये हल्की बड़ी हो जाती है। प्रकाश की खोज में ये कॉर्निया क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सिलियरी मसल्स के कारण हमारा लेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जिसको अंधेरे में देखते हैं तो किसी कोई भी व्यक्ति है उसका आंख की साइज जो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसलिए बड़ी हो जाती है कि अधिक मात्रा में इसे प्रकाश नहीं मिलता है। प्रकाश नहीं मिलेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम अपने आंखों पर प्रेशर डालते हैं थोड़ा सा, और प्रेशर डालने के बाद सिलियरी मसल से वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और कॉर्निया भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अधिक अगर हम धूप में चले जाए तो जब अधिक मात्रा में इसको प्रकाश मिलेगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ता कैसे है कि अगर वो प्रकाश अधिक तीव्र तीव्रता से हमारे रेटिना पड़ेगा तो हमारा जो आंख है रेटिना वो इरिटेट होने लगता है, जिसके कारण हम अपने आंख पे दबाव डालते हैं, लेंस छोटी हो जाती है, कॉर्निया भी छोटी हो जाती है। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि ये जो कॉर्निया होती है, ये कॉर्निया कुछ लोगों का आंख का ऑपरेशन किया जाता है। जब आंख का ऑपरेशन होता है तो आंख का ऑपरेशन में होता क्या है कि पूरी आंख नहीं बदली जाती है। जब कोई बुजुर्ग हो जाता है आंख से दिखता नहीं है तो उस व्यक्ति का या उस जो जिसे दिखाई देता है उसका आंख का ऑपरेशन किया जाता है। तो आंख के ऑपरेशन में पूरे आंख को चेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उस टाइम सिर्फ कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। कॉर्निया चेंज होती है, कॉर्निया इसलिए चेंज होती है कि उम्र बढ़ते बढ़ते इस कॉर्निया पे कुछ ऐसे लेयर्स आ जाते हैं जिससे प्रकाश की मात्रा अधिक हमारे रेटिना पे नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो उसी को हटाने के लिए इस कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है या उस लेयर को हटाया जाता है और दूसरे कॉर्निया को लगाया जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति की आंख है ये जो इसको बोलते हैं आयरिस, इसके अंदर आप देखेंगे तो एक होगा पीपिल्स पुतली, ठीक है, ये पुतली है और ये जो आप देख रहे हैं ये है आयरिस। तो ये जो है ये आयरिस ये कलर्ड होते हैं और ये पुपिल्स है, पुपिल्स नेत्र तारा इसको बोलते हैं, जिससे हमें कोई भी वस्तु देख सके। ये पूरा ब्लैक होता है, पुपिल्स क्या होते हैं, डार्क ब्लैक होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि आप मानव नेत्र के बारे में कुछ समझ गए होंगे। इस वीडियो को दो तीन बार देखेंगे तो पूरा ये वीडियो क्लियर हो जाएगा आपको कि मानव नेत्र आखिर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें कुछ दृष्टि दोष आ जाते हैं। कौन कौन से दृष्टि दोष, तीन दृष्टि दोष आते हैं। पहला, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। इसमें दृष्टि दोष आ जाता है, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दूर दृष्टिता। आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। दृष्टि दोष में हम देखते हैं कि तीन तरह के दृष्टि दोष होते हैं। पहला दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं फॉर साइटेडनेस, और दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। और तीसरा होता है
जरा दूरदृष्टता। ये एक्चुअली तीनों होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, आइए आपको बताता हूं। मैं इसको मिटाना चाहूंगा बताने के लिए। आप देख रहे होंगे जो दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु यहां पे लिखा हुआ दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि दूर की वस्तु देखने में हमें दिक्कत होती है। नहीं, इसमें दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। क्या दिखाई देती है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु पास दिखाई देती है, दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं देती है। और जरा दूरदृष्टता में होता क्या है? जरा दूरदृष्टता में होता है कि उम्र बढ़ते बढ़ते लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पास की वस्तु सही नहीं दिखती है और दूर की वस्तु सही नहीं दिखती है। तो इन तीनों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा एकदम डिटेल्स में। ओके, धन्यवाद।